मैं अम्मी को थैंक्स बोलने से पहले सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ठेस पहुँचाई है मैंने बचपन में अम्मी को। बिना बताए मुंबई आ गया था और 3 साल के बाद जब अम्मी को पता चला कि मुंबई में भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा था कि भाई बता के चले जाते, मैं तो तब भी दुआएं मांगती तुम्हारे लिए। और मुझे मालूम है कि आपने कैसे कैसे करके हमारी पढ़ाई लिखाई की, इतना बड़ा परिवार था, इतना कुछ पैसा वैसा था नहीं हम लोगों के पास, लेकिन जिस तरीके से आपने कपड़े सी के हमारी पढ़ाई के लिए फीस देती थी, अपनी ज्वेलरीज बेच के फीस देती थी, वो तो आपका होना मेरे लिए एक ताकत है, एक ताकत मिलती है आपके होने से मुझे। मुझे मालूम है कि जब मुझे 12 साल हो गए थे तो कुछ नहीं मिल रहा था, तो आपने एक लफ्ज मुझे बोला था कि 12 साल में तो कचरे के दिन भी बदलते हैं, तो वो सुन के मुझे और मेहनत करने का मोटिवेशन मिला। कामयाब हूँ ना हूँ लेकिन मेहनत करता रहूँगा, इस तरह के जो मोटिवेट करती थी आपकी बातें, आपकी लाइफ, वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। नवाज को यही कहती हूँ, उसको सारी बातें मेरी परेशानी याद है, वरना इतने मकाम पे आने के बाद में हर बच्चा क्या, हर आदमी भूल जाता है जो तकलीफ़ें मैंने उठाई। इसको नमाज को हूबहू सारी बातें याद हैं और ये कदर करता है मेरी, जो मुश्किलें मैंने उठाई हैं इसकी भी मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला के भी शुक्रगुजार हूँ। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। हम सब जानते हैं कि नवाज़ भाई, उन्होंने बहुत स्ट्रगल की, बहुत मेहनत करी मुंबई में, तो आपको कब पता लगा कि उनको यहाँ खाने तक की परेशानी हो रही है? एक बार नवाज़ का फ़ोन गया था, अपने भाई से बताया इसने कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है। मैंने भी बात की, मुझसे नहीं बताई, नवाज़ बहुत छुपाता था मुझसे बात, क्योंकि मेरा बहुत उससे पाला मैंने मोहब्बत से, क्योंकि बड़ा बच्चा है मेरा ये, तो मुझे उस वक्त पे मैं बेहोश हो गई थी जब मेरे बेटे ने बताया कि नवाज़ भाई ने आज 8 रोज़ हो गए खाना खाया। हमारे यहाँ करेले बनते हैं भरे हुए मटन में। अच्छा। इसको बहुत शौक है इसका, तो जैसे उसने घर आके बताया तो मैं करेले खा रही थी, तो मैंने उसी जब ही छोड़ दी, इतने नवाज़ सक्सेस नहीं हुए, इतने मैंने करेले नहीं खाया। ज़ाहिर हर माँ की हो सकती है ऐसी हालत जैसी मेरी हो गई थी, उसको तो मैं बहुत ज़्यादा। मैं समझ सकता हूँ माँ पर क्या गुजरती है, पर आज खुशी होती होगी इस बात की? हाँ, तो बहुत खुश। पर कभी पहले से फिल्मों का शौक रहा इनका? हमारे यहाँ तो सिनेमा हॉल भी नहीं था। हाँ, अक्सर इसको रामलीला देखने का बड़ा शौक था। अच्छा। बहुत देर तक के आता था तो हम कभी मना नहीं करते थे, रामलीला बहुत शौक से देखता था। 6ठी क्लास में थे, फेल हो गए, फेल के वो लेके आए रिपोर्ट कार्ड, पास का लिख के और विंडो में डाल दिया अपना रिपोर्ट कार्ड। तो खेल कूद में क्या खेलते सबसे ज्यादा? कंचे भी खेलते थे और क्रिकेट का भी काफी। हाँ, पतंग उड़ाने का बहुत ज्यादा शौक था नवाज को, मैं बहुत मारती थी और मैं जैसे ये पतंग उड़ाते थे छत पे जाके मुझे डर लगता था कभी गिर जाएं। तो आपने कभी बचपन में मारा नवाज भाई? हाँ मारा, वैसे मैंने तो मारा है, मैंने तो पढ़ाई के ऊपर ऊपर लटका के भी मारा है। एक बार इसने क्लासेस छोड़ दी थी तो मुझे पता चला कि ये आज स्कूल नहीं गए, तो मैंने उसको ऊपर लटका के मारा। तो बहुत स्ट्रिक्ट रही है, मतलब आपके डर भी लगता था या आगे से गुस्से में बोलते भी थे? अम्मी बस अब के नहीं करूँगा, अम्मी बस अब के ऐसा बोलते थे। अगर स्कूल नहीं जाते थे तो फिर करते क्या थे? एक बार इसने 5 रुपये चुरा के मेरे फिल्म देखने चला गया, 5 रुपये में ये फिल्म भी देख के आ गया, उसमें कुछ खाया भी और दोस्त को भी लेके गया। मुझे पता चला कि नवाज ने उठाए हुए पैसे चुराए, फिर मैंने इसको मारा, मैंने क्या बता, जिसने बताया कि हाँ मैं ले गया था। तो किसकी पिक्चर ये बहुत देखते थे? दिलीप कुमार की देखते थे पिक्चर और हीरोइन की देखते थे, वो श्रीदेवी की पिक्चर देखते थे। और उन्होंने श्रीदेवी जी के साथ काम भी किया है मॉम फिल्म में,
क्या ये बात सच है कि उन्होंने फिल्म इसलिए हाँ की थी क्योंकि उनको श्रीदेवी जी के साथ काम करना था? हाँ सच है, नवाज को इसी वजह से नवाज ने हाँ कर दी थी उनके श्रीदेवी जी की वजह से। तो फिर ये शुरुआत कहाँ से हुई, कोई ट्रेनिंग इन्होंने शुरू करी? बस हम तो ये चाहते थे डॉक्टर बने, लेकिन ये मैं एक बार टीवी देख रही थी उस पर एक न्यूज़ आ रही थी कि बच्चे का जिधर दिमाग चले उसको उधर जाने देना चाहिए। तो मैंने अपने दिमाग में ठान लिया था कि घर जा रहा है तो क्या खबर इसको कुछ सक्सेस मिल जाए। ये हरिद्वार से किया इन्होंने BSc, वहाँ पर कुछ प्रोग्राम हुए तो इन्होंने वहाँ हिस्सा लिया। अच्छा, हाँ तो वहाँ पे अच्छा इसका काफ़ी वो हुआ था, प्राइज भी मिले थे इसको, पागल का रोल किया था इसने। अच्छा, मुंबई में आने के बाद कहाँ रहे, स्ट्रगल कैसे किया? बस जो बहुत सारे लड़कों के साथ में रहा कुछ दिन तक के, तो जैसे थोड़ा थोड़ा हिस्सा बांट लेते हैं पैसों में, लेकिन यह है कि पैसों की भी बहुत दिक्कत थी इसको। अब बताते हैं मुझसे, खाना बनाना पड़ा, बर्तन धोने पड़ते थे, पोछा भी लगाते थे। मेहनती तो शुरू से ही था क्योंकि हमारे यहाँ भैंस थी ना, तो मैंने इसको एक बार ये बता दिया कि तुम्हें सुबह की सानी भैंस की तुम्हें करनी है, और वो टाइम पर उठना, 5 बजे उठ के भैंस को सानी करना, फिर ट्यूशन चला जाना और नहा धो के स्कूल चला जाना। तो ये डिसिप्लिन का काफ़ी वो था इनको ख्याल। तो ये मुजफ्फरनगर से जी यहाँ पर आना मुंबई में, ये कब एकदम से डिसाइड किया कि हमें मुंबई जाना चाहिए? ये तो NSD पास आउट करके इन्होंने फिर हमें बताया भी नहीं कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ या किस तरह से चलना चाहिए, हमें तो मालूम भी नहीं था। फिर इनके जो टीचर थे NSD में, उनसे इसके अब्बू ने कहा कि इस तरह से मेरे बेटे का पता नहीं है। उन्होंने कहा आप बेफिक्र रहें, हम कुछ पता निकालते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद में उन्होंने पता निकाला नवाज का कि वो बॉम्बे हैं, आप परेशान ना हो, वो बॉम्बे चले गए। एज एक्टर सारी की ज़िंदगी में एक किरदार निभाना होता है, कई बार कुछ ऐसे सीन होते हैं जो एक माँ के लिए ऐसा होगा कि क्या कर रहा है। सर ऐसा होता था जब नवाज पिटने वाला रोल होता था ना नवाज का, तो मैं सचमुच वो हो जाती थी कि ये तो मुझे पता था कि ये एक्टिंग है, लेकिन मैं सचमुच मेरी चीख निकल जाती थी जब इसको कोई जैसे रोल होता था मारते थे। कभी आपने खुद उनके साथ जाकर पिक्चर हॉल में देखी? हाँ, देखी। ये तो छुप छुप के जा रहे थे, सब नवाज को पहचान रहे थे ना, वहाँ शोर मच गया नवाज नवाज। एक लड़के ने बोला कि चेहरा तो ढक लोगे, आंखें कहाँ से ढकोगे, आंखों से पहचाने जाते हो तुम। पहली फिल्म कौन सी देखी थी उनकी, कोई उसका सीन जो आपको बहुत पसंद? वासेपुर का सीन बहुत अच्छा लगा था मुझे, वो जो गाड़ी के पास खड़े होते हैं ना, वो हुमा कुरैशी के सामने वो सिगरेट पी के जो करते हैं, वो बहुत अच्छा लगा था सीन। तो हम सब जानते हैं कि नवाज भाई ने यहाँ पर 12 साल स्ट्रगल किया, तो उस समय कभी आपको उनकी याद नहीं आती? हाँ, क्यों नहीं आती थी, और इसके फ़ोटो देख देख के रोती रहती थी मैं। बहुत ऐसा होता था कि मुझे नींद नहीं आती थी, जब इसकी याद आती थी ना मैं किताब पढ़ने बैठ जाती थी, और जो हमारे यहाँ एक स्टोर है वहाँ जाके चुपचाप इसके अब्बू को भी ना पता चले जो, मैं वहाँ जाके रोती रहती थी और किताब पढ़ती रहती, तब नींद आती थी मुझे। कोई ऐसी चीज़ जो हमेशा उनकी हिम्मत बनाए रखती थी? हाँ, एक तो हिम्मत बढ़ाती थी मैं, और उसको मैं ख़त में ही लिखती थी, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार होता है। तो ये नवाज़ को बहुत पसंद आती थी ये बातें जो मैं उसको कहती थी। तो कभी नवाज़ भाई ने आपको ऐसा कोई तोहफा दिया जो आपके दिल के बहुत करीब हो? मुझे ज्वेलरी का शौक़ नहीं है, लेकिन मैं ये जो अब पहनती हूँ नवाज़ की वजह से पहनती हूँ, कि मेरे बच्चे ने मुझे पहली बार अपनी कमाई में से बनवा के दी थी मुझे, इसलिए दिए चीज़ें नवाज ने। मैं अपना जो इसको जब भी ज़रूरत पड़ती थी अपनी ज्वेलरी बेच के जो कुछ इसको काम में लाने होते थे पैसे, वो दे देती थी। नवाज भाई ने तीनों खानों के साथ काम किया, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान। आपने कभी भी सपने में सोचा था कि ऐसा पॉसिबल है? इनके साथ काम किया मेरे बेटे ने, मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ इतने बड़े एक्टरों के साथ में, स्टार के साथ में मेरा बच्चा काम कर रहा है। नवाज कहते हैं कि सलमान खान नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, शाहरुख खान की भी बहुत तारीफ़ करते हैं, शाहरुख खान बहुत अच्छे नेचर के हैं, आमिर खान की, सलमान खान की, शाहरुख खान की बहुत तारीफ करते हैं। अगर नवाज भाई की शादी नहीं हुई होती, वो सिंगल होते, तो आप किसके साथ कराते? वहीदा रहमान बहुत पसंद थी मुझे, अगर वो उस मौके पे होती तो नवाज की शादी वहीदा रहमान से करती। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आप मद्रासे में पढ़े हैं, और वहाँ पर आपने बहुत सी लड़कियों को पढ़ाई में आगे भी किया है, उन्हें मदद भी की है, तो इस चीज़ में
नवाज़ भाई आपकी कैसे मदद करते हैं? नवाज़ मुझे खुद को भी कहता था कि अम्मी जहाँ तुम इनको पढ़ाती हो थोड़ा सा लिखना भी सिखा दो इनको, तो तख्ती वगैरह लाते थे बहुत सारा कि अम्मी इनको पढ़ना लिखना भी सिखा दो। जो हमारे महल्ले में अनपढ़ बच्चे घूमते थे, आज आप जाके देखें सब स्कूल वगैरह में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। मैं जानता हूँ कि माँ के हाथ का तो सब कुछ पसंद होता है बेटे को, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक अम्मी के हाथ का जो कभी मिस नहीं करते? तहरी पसंद करते हैं। तो उसमें क्या ऐसा स्पेशल डलता है? तहरी कह रही हूँ मैं, इसमें तो राइस है और जी मिर्च वगैरह मसाले पड़ते हैं मटन। क्या हमें बताएंगी कैसे बनती है? हाँ बताऊंगी जरूर, आपको खिलाऊंगी भी अगर वहाँ। पहले डाला तेल, अब ये मैं प्याज डाल दूँ। अब ये क्या डाल रहा है? ये खड़ा मसाला है, ये लहसुन और प्याज का पेस्ट, ये मिर्च पाउडर है, ये पुदीना डाला है, कटे हुए अदरक जी और हरी मिर्च। जब ये थोड़ा गल जाएगा तो चावल का, अब ये इसमें जरा सा भुनाई करके इसकी थोड़ी, तो इसमें फिर चावल डालते हैं। फिर से इसको पकाएंगे कुछ वक्त? इसमें दो सीटी लगेंगी। ठीक है, अब ये हिला के इसको फिर से ढक्कन लगा के, अब बारी है इसे बंद करके 10 मिनट पकाने की। थैंक्स मॉम के हर एक एपिसोड में खाना खाने का तो मिलता ही है, लेकिन इस बार नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अम्मी जान उनके साथ मैं रमजान में इफ्तार कर रहा हूँ। आप बताइए, अफ्तारी में होता है खजूर से खोलो और दुआ पढ़ो। तो ये अभी खजूर से खाना, खजूर पहले खाना, इससे क्यों शुरू करते हैं, ऐसा क्या है? ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ये उसी से रोज़ा खोलते थे। इसका ये है कि अल्लाह ताला इतना सारे नेमत हैं तेरी, तेरे नाम से हम तेरा रोज़ा रखा और उसको अब खोलते हैं। इसके बाद और कुछ? शरबत पीना, शरबत पीना होता।